मेरी और आपकी सिफारिश के बाद पहली तरफ बैठा है भाई जी। आप क्या साहब भाई, क्या आप तशरीफ लेकर आएंगे? हम यहाँ पे काम करते हैं भाई, स्कूल पर विशाल दिया नवाज है। और इससे पहले भी काफी दफा हमने रोडों पे भी यहाँ पे प्रोग्राम किए, आगे स्पीचेस की हैं। और मैं ये समझती हूँ कि मिनोरिटी अलाइंस पाकिस्तान का जो खादू वाला ये उकड़ा वाला जो है, ये एक मजबूत यूनिट है। और मिनोरिटी अलाइंस पाकिस्तान का ये यूनिट जहाँ भी जुल्म होता है, सितम होता है, बेशक वो इस्लामाबाद पुलिस की गुंडागर्दी हो या सालहा जलावाला में होने वाली मसीहों के साथ ज्यादती हो या पर्सनलिटी केस हो, जब भी कोई ऐसा मामला हुआ है जहाँ पर मसीह लोगों पर जुल्म ढाया गया है, तो कुकरावाला के नौजवान हमेशा विरोधी दलाइन पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। इसके लिए मैं चाहूंगी कि यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग सुन रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएं। यहाँ के लोगों की और जिस तरह से मैं ये बात कहती हूँ कि खुशबू की मिट्टी में इतना दम है कि वहां पर पैदा होने वाले लोग जो है वो बाबा होते हैं, तो एक बात कहना चाहूंगी अपनी मिनोरिटी अलायंस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए चुना गया है। और अब करीब जो हमारा 10 दिसंबर हुआ नाइट डे पे जो हमने पूरा मन वॉक का इंतजाम किया है, बंदोबस्त किया है, उसमें जो है वो पास्टर शकील साहब को एक डेजिग्नेशन दिया जाएगा, जिसके बाद पूरी तरह से उनको औदा मिलेगा और वो मिनोरिटी अलायंस पाकिस्तान के साथ जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब बहनों का, अपनी माओं का, अपनी छोटी बच्चियों का। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिनोरिटी अलायंस पाकिस्तान हमेशा से जहां पर जुल्म हुआ है, तो
जिन्हों एहसास होंगे पीता ओनू अपनी रोटी की नहीं फिक्र ओनू अपना घर बना की नहीं फिक्र ओनू अपनी होर जरूरत की नहीं फिक्र बल्कि अपनी कौम के काम को हमेशा पहली तरजीह देता है हमेशा कौम की आवाज उठाता है उठ के बाहर आता है। मैं अज माइनॉरिटी लाइंस पाकिस्तान की जी खानूवाल की टीम है मैं इन्हों का शुक्र गुजार नहीं हाँ कि अगर असी इन्हों इस्लामाबाद कॉल की इतों की टीम इस्लामाबाद पहुंची है अगर इन्हों लाहौर बुलाया तो इतने लाहौर पहुंचे ने अगर असं इतने एहतजाज फैसलाबाद करने तो हमेशा जी मेरी कंध है वह कभी भी खानू वाले लोगों ने नंगी नहीं होने दी हमेशा और इस टीम के एक खूबसूरत इजाफा पादरी शकील साहब की सूरत जेडे के अरसा दो साल तो मेरा इन्होंने राबता सी बड़े टैलेंटड आदमी ने बड़ी मेहनती आदमी ने कॉम्प्रेस आदमी ने खुदा के खादम ने ते मैं इन्हों हमेशा कहता सी कि तुसी तहरीक का हिस्सा बनो और साढ़े नाल चलो और परसों मीटिंग दे विच शामिल होए और इन्होंने बकायदा इस तहरीक का हिस्सा होने का ऐलान किया। मैं समझना इन्हों की शक्ल तुसी सारे साढ़े नाल हो तुसी सारे माइनॉरिटी लाइंस पाकिस्तान का हिस्सा हो तो मैं समझना ये लोगों के हक के सच की जी जदोजहदे लोगों की जी अपनी ऑनर इज्जत आबरू की जी जदोजहदे अपने बच्चों बचाने की जदोजहदे उस काफले का हिस्सा हो तो मैं तेन वेलकम भी कहना मुबारक भी कहना खुदावंद ने चाहिया कि असं सारे रल मिल के अपने लोगों महफूज बनावे अपने लोगों का मुस्तकबिल बदलेंगे अपनी आने वाली नस्लों एक रोशन ख्याल पाकिस्तान देंगे जिदे असी सारे लोग जोड़े बराबर के यकसा हक लैके पहले दर्जे दे पाकिस्तानी बन सकिए। मैं समझना कि आज जिस तरह के सदफ ने दसिया सारे उन्होंने पादरी विकी दे केस ते गल डिटेल में की मैं समझना कि आज जड़ा वाला दे लोकां नूं जिस तरह सी देखिया कि 16 अगस्त नूं 26 गिरजाघर जलाए गए यह वाहिद वाकया है। इस तरह का वाकया पाकिस्तान की 75 साल तारीख च नहीं होया सैकड़ा सौं दो साल तक घर जड़े ने लोगों के जलाए गए लोग घरों बेघर हो गए बाइबल मुकदस की जलन की हजारा च तादाद है तो जिन्ना ही अफसोस पूरी दुनिया के इस वाक्य का होया उन्हें शायद कभी भी नहीं होया। असी सारे रंज तकलीफ ते गम ज़्यादा सा सारे लोगों ने भावे वह माड़ा भावे वह गरीब ने हर बंदे ने कोशिश की जड़ा वाले ने लोगों की मदद की। यकीनी तौर पर सानू एक दूजे का खलोना चाहिए यह तस्वीर का एक रुख है कि तुसा मंजिया दे दियां तुसा बिस्तरे दे दिते तुसा पानी दे दिता तुसी पैसे दे दिते तुसी उन्हां नूं घर बना लीटा लै दित्तियां किसी ने बच्चे नूं किताबां लै दित्तियां किसी ने बच्चे नूं झूले लै दित्ते किसी ने बैग लै दित्ते हर तरह की मदद पाकिस्तान के मसीहा ने पाकिस्तान के मुसलमानों ने शायद हकूमत ने भी हर तरह की मदद दी तो लोगों को आबाद किया। लेकिन इसका दूसरा रुख भी है कि साढ़े के इंसाफ लिए अज ना अस आप खलोते हैं ना कोई होर खलोता है अज उत्थे दे मुलजमान वह छुट रहे हैं 22 मुकदमात ने जड़ा वाला 22 FIR और हर FIR 400-500 मुलजम है और फड़े किले ने 400-500 सिर्फ 20-25 और ज्यादा तो ज्यादा 100 लोग जड़े ने पुलिस ने उन्होंने अरेस्ट कर सकी बाकी सारे उन्होंने बेगुनाह कर दिता और उत्थे लोगों के नाल जो लोगों गिरफ्तार ही नहीं किया मुलजमान जेडे वीडियो नजर आए हैं जिन्होंने लोगों ने वेख्या उन्होंने प्रेशर चाके छड़ दिता गया तो फिर सानू इंसाफ कौन देगा। अज अफसोस का कहना पैंदा है कि साढ़े वो लोग जेडे मदई बने ने अपने मुकदमात उन्होंने को इन्ना टाइम नहीं कि वह अदालत दे विच जाके ते अपने केस नू फॉलो करो सानू फोन कर उन्होंने कहना पैंदा कि आओ अपने हक लई लड़ो सानू फोन करके पैणो कहिंदे ने साढ़े को टाइम नहीं फैसलाबाद मीटिंगां होंदियां सन कि केस किवें लड़ना है लोगों नू सजा करानी है तो कहिंदे हन साढ़े को टाइम नहीं टाइम इसलिए नहीं सी कि वह कहिंदे सन कि आ मंजियां वाला ट्रक जिहड़ा ना इहना गुजर जाए यह जी अमद अमदाद मिलनी है यहाँ कोई होर लै जाए साढ़े को असी लोगों आपस से लड़द्या वेख्या अमदाद की खातर
आटे दियां बोरियां खोलदे वेखे ये किस तरह दी सी कौम सिर्फ अपने तालियां मारी जाना ते खुश होई जाना अपने गिरेबान च ना झांकना जी वक्त दी जरूरत है कि असीं अपनियां खामियां नूं जे असीं आटे भी लै ले मंजियां भी लै लियां बिस्तरे भी लै ले कूलर भी लै ले ते जे असीं लोकां नूं सजा नहीं दवा सके ते असीं काफर फिर सानूं खुदा दे घर दी कोई गल्ल जिन्हां दी अग दी तपश दे शोले साडे दिलां च नहीं जल सके जिन्हां ने सानू इस कदर ये मजबूर नहीं कीता कि साडे दो कदम जिहड़े ने ओह अदालत वल नूं आण ते जिन्हां ने अज जलाओ गलाओ कीता उहनां दी सजा नहीं कटी होई है ते किहड़े ने असीं मसीह जे असी हक की गल करन तो डरदे आ ते फिर असी काले मसीह आ असी झूठे मसीह आ असी फिर सच्चे मसीह नहीं अच्छा तो अपने आप नूं शनाख्त करना पएगा मिनोरिटी लाइन्स पाकिस्तान ने दावा दे दी है कि अपने आप नूं पहचानिए क्या असी जरूरतां दे गुलाम आ या खुदा दी गैरत दे खड़े होण वाले सिपाही आ ये फैसला करना पएगा जिहड़ा वाले दे लोकां नूं भी ते हर मसीह नूं और इही गल है कि मदादा इत्थे ही रह जांदियां ने जिनी मर्जी चंगी रोटी खा लो अगले दिन फिर भुख लगती इंसानी तकाज़ा जरूरत है लेकिन रोटी ली जरूरत ली अपने मफाद का अपनी गैरत का सौदा करना इंसाफ का सौदा करना गलत गल है सानू लोगों उठना पड़ेगा कि नहीं सब तो पहला साड़ी इज्जत सब तो पहला साड़े खुदा की इज्जत सब तो पहला साड़े मुकद्दस गिरजा घर की इज्जत सब तो पहला साड़ी बाइबल मुकद्दस की इज्जत अगर उन्हां दी इज्जत नहीं हुई उन्हां नूं चलाया गया गिराया गया तो फिर असी अगर उन्हां मुल्जमां नूं सजा दवा सके तो फिर पाकिस्तान च असी कुछ नहीं कीता कि मैं पादरी विकी नूं कदी भी नहीं सी मिलिया मैं उस खानदान दे लोकां नूं कदी भी नहीं सी मिलिया लेकिन एक कौम दी लड़ाई सी ये लड़ाई मसीहां दे खिलाफ सी पाकिस्तान च दस्या जा रहा सी कि पाकिस्तान च एक पादरी ने जिन्ने भी पादरी ने वह मफाद परस ने अमरीकी वीजा लई वह अपने गिरजिया के कुछ आयतों का हवा लेंगे ने वह अपने मफादात लई गोली मार लेंगे ने वह कौम का सौदा करते हैं तो बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं और सानू गद्दार करार दिता जा रहा इस मुल्क के लिए कि असी पाकिस्तान के गद्दार हाँ क्योंकि असी जिहड़े आ वह आपस च मजहबां की लड़ाई कराने हैं असी जानबूझ के गिरजिया से लिखते हैं दीवारा ताकि दूसरी वीड्डी कौम जी एक्सीडेंट है उन्होंने असी छेड़ने तो वह साढ़े हमला करते हैं यदा मतलब असी पाकिस्तान का गद्दारी करते हैं यही एफ आई आर सैक्शन 120 ताजी पाकिस्तान का जरा लगा सी पादरी विकी की एफ आई आर वह मकसद यही सी कि असी पाकिस्तान के गद्दार हाँ असी यह साजिश की है कि असी साजिश के नाल अपने गिरजिया के हमले करवाए ने असी साजिश के नाल अपनी बाइबल मुकदसा सुनवाई ने तो असी साजिशी हाँ यह दाग जिहड़ा साढ़े ते लगन जा रहा सी उहदे लई सब तो पहली आवाज मैं उठाई सी मिनोरिटीज लाइन पाकिस्तान ने उठाई सी मैं उहदे ते वीडियो मैसेज किया सी पादरी विकी दे खानदान दा गजल शरीफ दा नाता मैं करवाया सी और नाले रोबन नूं मैं बुला के कल वीडियो प्रोग्राम कीता सी और मैं कहा सी कि नहीं जिहड़े साडे मुंह दे काळख मलण दी कोशिश कीती जा रही है उहनूं असीं धोवांगे और फिर असीं धोता सारी कौम साडे नाल खड़ी हुई फिर जिथे गुजारा बाजी दी जरूरत पई जो भी कराचू आ गए बाकी लोग भी लेकिन इधर गद्दार सिर्फ लड़ाई असीं सड़कां ते लड़ी बल्कि असीं अदालतां च वी लड़ी जदों ओहदियां एफ आई आर जमानतां लगियां सन एक जमानत कैंसल हो गई ते सारी कौम परेशान हो गई ते फिर मैं अपने शहर के पास्टर्स नूं इकट्ठा कीता एक मीटिंग कीती गली नंबर 6 बरकतपुरे और उन्होंने कहा कि अगर तुसी खुदा दे खादम हो ते जिंदर पादरी दी जमानत होएगी असी बाहर फैसलाबाद एहतजाज करांगे और वक्त दी जरूरत सी सानू पुलिस ते दबाव पाण दी और फिर असी सारे नूं इकट्ठा करके वो प्रोटेस्ट जिहड़ा सी मिनोरिटीज लाइन पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज कीता सी और असी ऑर्गेनाइज करके उत्थे लोगों नूं इकट्ठा कीता और उधर ही उन्हां दी जमानत सी असी सवेरे अदालतां च अपने दलाइल दिते ते सारा दिन उत्थे रोड ते बह के ना सिर्फ जबूर पढ़े दुआवां कीतियां ते खुदा नूं कहा सानूं ताकत दे ते दुश्मनां दा मुंह मोड़ो ते उहदे दी शाम नूं पुलिस जिहड़ी सी उह मत्था टेक गई सी ते उहनां जाके कहा सी कि असी इस हिस्सा नूं नहीं फॉलो करदे कदम बढ़ाओ अकबर भाई
ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਗ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ MNA MPA ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਤਜਾਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਾਲ ਬੱਟੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦ ਬੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਭੇ ਕਵੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਇੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਖਾਤੂਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਖਾਤੂਨ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਮਰੀਅਮ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਅਮ ਸਮੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਦਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਸਮਤ ਸਮੇਤ, ਦਬੋਰਾ ਸਮੇਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰੀਅਮ ਮਜਦਲੀਨੀ ਸਮੇਤ, ਐਸੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਹ ਰਵਾਈ ਲਈ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਮਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਖਵਾਤੀਨ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਅਗਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਬਦਲੀ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੱਲ ਛੱਡ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁਮਕਿਨ, ਇਹ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੇੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਾ ਕੁਚਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਲੀਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਹੱਫ਼ੁਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
फैसलाबाद दे विच हलाले अमल चौक तो जिला कौंसल चौक तक असी एक रैली दा इंतजाम कीता है और तुसी सारे असी समझना कि साडियां पैणा को खुसूसी तौर ते मैं दावा देना कि तुसी सारे उस पुर अमन रैली विच शामिल होवो ताकि असी छोटी जी वॉक है जिहड़ी ओह करके ते असी अपने हकूक ते गल करिए कि साडे बच्चां नूं तालीम हासिल करन दा हक दिओ ताकि साडियां बच्चियां जिहड़ियां ने आला डॉक्टर बन सकन, इंजीनियर बन सकन, बिजनेसमैन बन सकन। वो साडा मुकद्दर यह नहीं कि असी बस गुरबत ही कटनी है, वो साडा मुकद्दर यह नहीं कि असी सिर्फ खाकरों भी बनना है, वो साडा मुकद्दर यह नहीं कि साडे लोग खवातीन ने लोगों के घर च काम करना है, वो साडा मुकद्दर यह नहीं कि साडे लोग नौजवानों ने नशे करने दे ते गटर च डिग डिग मरना है। साडा मुकद्दर नहीं, इस मुकद्दर को बदलीए। एक कालक साडे मत्थे मल दी गई है ते जिहदी देर नूं खुच खुच के असी नहीं हटावांगे साडा मुस्तकबिल नहीं बदल सकदा। इसलिए आओ अपनी आने वाली बच्चिया ने अपने बच्चों लिए जिन्होंने असं पैदा किया उन्होंने एक महफूज मुस्तकबिल देने जिथे कोई उन्होंने जो मर्जी उन्होंने घर का साड़ दे, जिथों मर्जी उन्होंने कोई गिरजे ना साड़ दे, जो मर्जी कोई उन्होंने अलहामी किताबा ना साड़ दे, जो मर्जी उन्होंने बेगुनाहों जेलों जिन्हें कोई सुट दे, जो मर्जी उन्होंने स्कूलों चो ना कट दिता जाए। अगर ये पाकिस्तान असी जाना है जब साडा मुल्क योजे घूम जाने सानू आवाज उठानी पेगी, सानू मिनोरिटी लाइज पाकिस्तान का हिस्सा बनना पेगा। हम इलेक्शन का दौर आने बड़े बड़े बेरोपी आएंगे तेन झूठे लाने ला देंगे आह कर देंगे आह कर देंगे आह कर देंगे वोट लैन की खातर। वो तेरे को वोट लैन नहीं कहेगा मैं तेन ए कर दाँगा जी तेरे लिए मैं दलिया बछा देंगा, कोई कहेगा मैं तेन ए भांडे लै देंगा, कोई कहेगा मैं सड़क बना देंगा। लेकिन यह सारिया चीजा मसलू ही नहीं वक्ती ने पांच साल तो बाद गवर्नमेंट आती है तो वो साढ़े मिसाइल उंजे दे उंजे होंगे जिहड़ियां सड़कां उदों बनियां होंदियां ने टुटियां होंदियां, जिहड़ियां सोलंग जिहड़ियां नालियां बनियां होंदियां फिर टुटियां होंदियां, जिहड़ी सानू अज कोई आटा दे रहा है तो सवेरे फिर सानू भूख लग गई। असी सिर्फ खुदा दे लई मैं तुहानूं मिन्नत भी करदा कि अपने रवैये नूं बदलीए। असी किसी कोई चीनी की बोरी लैके तो चार कुर्सियां लैके उदा दफ्तर ना बना देंगे, बल्कि आने वाले एम एल एम पी पूछिए कि तू वोट पिछली बार भी तेनों दिते सर हूँ तू की किया सा दस जो पादरी डिगी या साढ़े दूजे रोड दिए थे सर तू कि आया जो जड़ा वाले जल रहा है तू कि खलोता है साढ़े नाल हूँ जो इंसाफ की गल है कोई क्या तू साढ़े तरीकों से जाना साढ़े अदालत वो पूछो तो सही उन्होंने कितों असी मुसीबत च सद कितों तू साड़ी मदद नहीं करना है। वो लोगों ने खुदा भी पूछा सी यसू भी खुदा पूछा सी कि जो असं भुखे सकते नंगे सब तू खुदा ने पूछे सौगा कि कितने सो जरा जो कोई भुखे को रोटी देता है जरा जितने कपड़ा भी वह तन ढापद जे कोई जेल चे तो खबरगिरी करता है जे कोई बीमार है तो तीमारदारी करता है खुदा ही कम ने हिसाब होना है तो हिसाब ही एम एल ए भी लेना चाहिए भी जो असं जेल दस कि सू कौन पूछना है इंसाफ कौन सू पूछना है यो कम ने तो अं सवाल करिए अपनी जबाना बंद रखना कोई एक बिल्कुल मैं समझना जबर है अपने आप से मिनोरिटीज लाइंस पाकिस्तान तेन जबान देन आई है तेन जुलत देन आई है कि नहीं। अगर ये मुल्क साढ़ा जिसे असं इतने बड़े नारे ला रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा है पाकिस्तान जिंदाबाद और लाने भी लेने नहीं क्योंकि साढ़ा मुल्क असं तो इनकार नहीं करते कि नहीं जाना लेकिन ये जरूर कहते हैं कि अगर साढ़ा कोई वड्डा भरा सा ज्यादती करता है तो उन्होंने समझिए कि जनाब है ज्यादती साढ़े ना क्यों घर चे असी अपने वड्डा भरा को थोड़ी जी ज्यादा रोटी लै लें दुध ने रौला पा लें तो मुल्क से असं सारा कुछ चुप करके अपने वड्डे भरा सारा कुछ ही दे जाने जवान कुड़ियां भी दे जा रहे हैं अपने चर्च भी जलाए जा रहे हैं भाई मुकदस भी दे जा रहे हैं खामोश है कि रवैया घर चे नहीं असं कर अस गल पै जाने भरा के खिलाफ शाम दरखास्त देने सवेरे मंदिर कराया होना कि रवैया इतने क्यों नहीं असं इख्तियार कर बजे असं डरने तो साढ़ा नक् भांद लेकिन खौफ को कर दी कोई नक् असं लड़े रहे हैं सारी हयाती लड़े हैं स्टूडेंट लाइफ तो लड़े हैं तो लड़ते रहना है। इसलिए आओ क्योंकि असं सच्चाई दे हक दे हक की गल कर लगे यीशु मसीह स्लीप तो चढ़ लगे असं डरिया तो असं आवाज बुलंद कर जरूर से शामिल हो लगे असं क्यों डरी इसलिए आओ साडा साथ दिओ साडा हिस्सा बनो तो आखिर च फिर मैं यकूब गोरी साहब का सारी टीम का पादरी सकील साहब का अपनी मेरे नाल आई टीम का मैं शुक्रगुजार हाँ।